ये कहानी एक साहूकार की। तो वो जो साहूकार था वो अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। एक दिन वो केदारनाथ दर्शन के लिए गया और वापस लौटते वक्त रास्ते के अंदर उसका जो पर्स था वो कहीं खो गया था। अब साहूकार को समझ नहीं आ रहा था कि यार अपने गांव कैसे पहुंचूं मैं, है ना। तो फाइनली क्या हुआ कि उसे एक बंदा मिल गया था जो कि पास ही किसी गांव का था, और उसने साहूकार को अपने घर रखा, उसे अच्छे से खाना खिलाया, उसका अच्छे से, है ना, उसका अतिथि सत्कार किया। और रवाना होते वक्त उसने साहूकार को कुछ पैसे दिए और कहा कि जब आप अपने सही सलामत अपने घर पहुंचो तो कोई नहीं, कभी भी रिटर्न कर देना, है ना। तो साहूकार ने कहा जी जी, मैं ना घर पहुंचते आपके पैसे है ना आपको रिटर्न कर दूंगा। अब क्या हुआ था कि वो बंदा भी इस बात को भूल चुका था और साहूकार तो इस बात को पहले से ही भूल बैठा था, है ना, कि मतलब पैसे उसको देना है। अब क्या हो गया कि वो जो बंदा था उसने क्या किया कि दो बैल खरीद के लाया, है ना। दो बैलों से उसने अच्छे से ना खेत को जोता और बहुत मतलब खुश था वो कि यार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बट क्या हुआ कि 5-6 महीने के अंदर जो एक बैल वो जोड़ी एक बैल खरीद के लाया था उसमें जो एक बैल था वो क्या है कि मर चुका था। अब वो थोड़ा दुखी रहने लगा कि यार अब क्या किया जाए। तो वो एक नया बैल लेकर आया और वो जो नया बैल था वो भी क्या है कि 4 महीने तो वो एकदम प्रॉपर, है ना, सही उसने वर्क किया, बट 4 महीने के बाद में क्या होता कि वो भी, है ना, थोड़ा बीमार रहने लगा। तो वो जो व्यक्ति था ना वो थोड़ा दुखी रहने लगा। अब सडनली क्या हुआ कि एक दिन उसके पास एक बंदा आता है और वो बंदा उसको कहता है कि आपने आज से कई साल पहले एक गाँव के साहूकार को कुछ पैसे उधार दिए थे। उसे सारी बात याद आ गई। उसने, हाँ यार दिए तो थे बट मैं तो भूल गया। उसने कहा वो मेरे पिताजी थे और केदारनाथ से जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे कहानी पता है। उसने कहा नहीं, जब वो घर पहुंचे ना तो घर पहुंचते ही 2 दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी सडनली। तो मरते वक्त वो मेरे से कुछ कहना चाह रहे थे तो उससे पहले वो मर गए। अब क्या हो गया था कि कल रात को ही बात है, मुझे एक सपना आया और सपने के अंदर मुझे मेरे पिता दिखाई दिए और मेरे पिता ने मुझसे कहा कि यार ऐसा है कि वो जो एक पास के अंदर एक गांव है उस गांव के अंदर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसने मुझे पैसे उधार दिए थे, है ना। मैं एक बैल की योनि के अंदर वहां पर काम कर रहा हूँ, है ना, मतलब मैं बैल बना हुआ हूँ उस व्यक्ति का कर्ज उतारने के लिए। तो तू एक काम कर, ज्यादातर तो मैंने कर्ज उतार दिया है लेकिन अब मैं बीमार रहने लग गया हूँ तो मैं कर्ज उतार नहीं पाऊंगा वहां पर काम करके। तो तू कुछ जितना भी पैसे वो बाकी रहे हुए ना तू जाओ उस व्यक्ति को दे, तभी मुझे इस बेल वाली जो योनि है ना इससे मुक्ति मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो जैसे ही उसने उसको पैसे दिए और कुछ ही देर के बाद वो दूसरा बैल था वो मर गया। क्यों? क्योंकि वही साहूकार था, है ना। तो कहते हैं कि इस जन्म के अंदर आपने अगर किसी के लिए कुछ किया है, है ना, उसका आपको रिवार्ड जरूर मिलता है। और हाँ, अगर किसी के 2 पैसे भी खाए ना तो याद रखना भैया, या तो ये जन्म है आपके पास, आप अच्छे से उनको वापस रिटर्न कर दो, और वरना तैयार है ना अगले जन्म में वापस बैल बनने के लिए।